हेलो गाइस, आरआरबी डी ग्रुप का रिजल्ट जारी हो चुका है। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट भी जारी हो चुकी है, आपकी कट ऑफ भी जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, किस तरह आपको कट ऑफ चेक करनी है और किस तरह आप शॉर्ट लिस्ट देख सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज 22 दिसंबर को रेलवे डी ग्रुप का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपका जो भी जोन है, आप जहाँ से फॉर्म फिलअप किया है वो जोन यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी rrbbhopal.gov.in की साइट ओपन कर रखी है, आपने जहाँ से फॉर्म फिलअप किया है वो जोन यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने भोपाल किया है, तो आपको स्क्रॉल करके जैसे नीचे जाना है तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट है वो मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर बता रहा है लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जिसके अंतर्गत जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, जिसके अंतर्गत जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जिनका सेन हुआ है, जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए सेन हुआ है, वहाँ पर यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद में शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पर कैंडिडेट लिस्ट देख सकते हैं और फिर आप कट ऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, किन किन जोन का यहाँ पर जारी हुआ है रिजल्ट, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट फॉर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट के अंतर्गत, जिसका पीईटी के लिए सेंड हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपका एग्जाम है 17 अगस्त से 11 अक्टूबर के मध्य हुआ था, आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं सारी जानकारी आपको मिल जाती है इस नोट्स के अंतर्गत, और आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से जोन का यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है, और यहाँ पर साइट भी सारों की दी हुई है। वहाँ से आप इस पर क्लिक करके सीधा वहाँ पर पहुँच सकते हैं रिजल्ट के टैब पर। यहाँ पर ये जानकारी मिल जाती है आपको कि कौन कौन से जोन का है जो रिजल्ट जारी हो चुका है। उसके बाद में आपको सेकंड टैब मिल जाता है, जिसके अंतर्गत शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंटों की लिस्टें भी यहाँ पर रोल नंबर वाइज जारी हो जाती है। तो आप अपना जो भी रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपका शॉर्ट लिस्ट पीटी के अंतर्गत आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद में जोनल वाइज अलग अलग कट ऑफ रही है, तो अब मैंने जैसे भोपाल की यहाँ पर देख रखी है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपकी कितनी कट ऑफ रही, जैसे जनरल की, एससी की, एससी की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कितनी कट ऑफ है, वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी हुई। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।